एक और खाओगी? अरे नहीं नहीं साहब, दो तीन तो खा ही चुकी हूँ, एक ही दिन में जान थोड़ी ना बनानी है। अरे कुछ नहीं होता भाई, हजिए कापो ने। आ, आ। लो जी एक। क्या हुआ, ठीक हो तुम? डंडा खा लिया ने शायद इसीलिए। अरे साहब, आप क्या हो गया साहब, क्या हो गया आपको, ठीक है ना आप? सर घूम रहा है, चक्कर सा आ रहा है। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं देखा, थैंक गॉड। जब तक डीबी की शादी टूट नहीं जाती मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। शोभित, सुबह से 6 कॉल किए मैंने तुम्हें, तुमने एक भी कॉल आंसर नहीं किया, चल क्या रहा है शोभित? यार क्या मैं बिजी नहीं हो सकता क्या? आया हूं ना अभी लंच करने के लिए। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, यही बात तुम शांति से भी तो कह सकते थे ना। अरे यार मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं, मुझे लंच ही नहीं करना यार, मैं जा रहा हूँ घर यार। शोभित हो क्या गया है तुम्हें, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? आर यू ओके? आई एम सॉरी बाईडी, तुम्हें खुद से दूर करने का एक ही तरीका है, आई होप तुम खुद मुझसे इरिटेट होकर मुझे छोड़ दो। आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ, बैठो। तुम चल रही हो या मैं जाऊं? जीजा जी, बिग बिन। अरे रश भाई, अरे उठ जा, क्या हुआ क्या है रश भाई? घर भारी हो रहा है और चक्कर आ रहा है। अब अंदर चलिए। हाँ आराम से आराम से। आराम से। अरे ये आप खा लीजिए, हैं? ये पानी। गुंजन, ये मेरा नंदिनी के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़ समझी ने? गधेड़ा, तेरी वजह से सबको कुछ हो जाता तो मेरा रिश्ता टूट जाता ने? डोबा के थे ना? पहले मुझे बता, तूने कुल्फी में क्या मिला था? क्या मिलाया गया था तूने कुल्फी में? मैंने सिर्फ नीम की गोली मिलाई थी। ये कुल्फी खाने से थोड़ी ना ऐसे होता है, ये चक्कर आते हैं जब भोजन में कोई नींद की दवाई मिलाई जाए ना तो ही। नींद की गोली? पर ये कौन कर सकता है? र,
अब भी अगर नंदनी से शादी करने का ख्याल अगर दर्श रावलना पे दिल से नहीं निकाला ना, इस बार तो जेल की गोली देके मार दूंगा उसको मैं। ये वाइडी क्या मुझ पे इल्जाम लगाती है, हैं? वादा तो तेरी बा ने किया था मेरे साथ कि मेरा रिश्ता नंदनी के साथ करवाएगी, लेकिन तेरी बा ने ना वो वादा तोड़ दिया। भाग गई है तेरी दादी धोखा देके मुझे। ए, मेरी बात तुझ जैसे चंटर पंटर से डर के ऐसे भाग जाएगी क्या? अरे वो तो उनकी बहन की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी इसलिए मेसाने गई है। अरे वो जाए किधर भी, मने एना थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो वापस नहीं आई तो दर्श रावल मेरी नंदनी को कहीं उड़ा के लेके जाएगा तो? अरे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तू ना अब बस मेरी बात सुन। आज सुबह ही मैंने बा से बात कर ली, उन्होंने मुझे बताया है कि वो अब भी अपने वादे पे अटल है, तो अगर नंदनी की शादी होगी ने तो तेरे साथ ही होगी। ये जाने अबे, ये दादी पोती मिलकर ना ऐसे झूठे वादे किसी और को जाके करो, चल भाग यहां से। अरे झूठ तो वो है जो तुझे दिखाई दे रहा है, पर सच बात तो ये है कि बाने ने उन रावल्स को बस नंदनी नाम का एक काजल दिया है, बाकी बा कोई शादी वादी नहीं कराने वाली उसकी दौर साहेब से। एक काम करना, दस जी के लिए गर्म पानी लेके आ, जा जल्दी। और खाने के लिए कुछ दस भाई, आप जरा आराम करो। सुनिए ना, मेरा ड्राइवर है बाहर, मैं उसके साथ घर चला जाता हूँ, अब बेटर फील कर रहा हूँ। अरे ना 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 ना, आप लेट जाइए, रिश्तेदार की हैसियत से नहीं दैत की हैसियत से बोल रहा हूँ, आप लेट रहिए आराम कीजिए। मैं, अरे बंसुरी मैं आता हूँ। दर्जी मैं आपके लिए सेब काट देती हूँ, वो माफ करना आज गुन के पापा बाजार गए नहीं ने तो घर में सिर्फ सेब था। अरे दैट्स फाइन। बिग बेन, बिग बेन, माचिस किधर है? माचिस अभी आई, मैं आती हूँ। बड़े बड़े कारनामे कर लेता हूं मैं, लेकिन ये छोटे काम तो कभी किए ही नहीं। एक एप्पल काटना कितना मुश्किल हो सकता है। भाई वो, अरे अरे आप ये क्यों कर रहे हैं? आप नंदिनी को बुला लेते ना, नंदिनी नंदिनी। अरे तेरा ध्यान कहाँ है? हाँ इधर आ, इधर आ। क्या है नंदिनी, तू और तेरी बहन दर्श भाई को अकेला छोड़ के चली गई? हाँ छुरी हाथ को लग जाती तो? देखिए लापरवाही नहीं चलेगी, जिंदगी भर बच्चे की तरह संभालना होगा उन्हें, समझी ने? जी। जा उनको सेब काट के दे। अरे ये बिग बेन मैंने सेब यहीं छोड़ के चलेगी, अब मैं काट देती हूँ। मैं आपके लिए सेब काट देती हूँ। मेरा मन नहीं है। एक पांग तो खा लीजिए। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। नंदिनी आई एम सॉरी। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे सेब पसंद ही नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं है।
सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको सेब पसंद नहीं है। अब अगली बार से नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, बाकी लोगों जैसा नहीं बन सकता। बा ने सोबित का रिश्ता मेरे साथ फिट करने के लिए ने राजवी मैडम से नंदिनी का वादा किया है। बाकी बाकी तो गारंटी है कि नंदिनी की शादी दर साहब से नहीं होगी। अवे खुश। शादी को सिर्फ 6 दिन बचे, तो इन 6 दिनों में क्या करेगी वनलता का की? बानी, तू नंदिनी की शादी रोकने का काम तुझे करना है। बा मुझे सारी प्लानिंग बता के गई कि तुझे क्या करना है और कब। अब लेट जाइए। आपको गर्मी लग रही होगी ने? आपको तो एसी की आदत है। अरे नहीं, इट्स ओके। इटले नंदिनी को उठाना होगा, इटले किडनैप। अगर तुझे नंदिनी चाहिए तो शादी के रस्मों के बीच में तुझे नंदिनी को किडनैप करना होगा। नंदिनी, नंदिनी तुम रो क्यों रही हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो इतनी? आप नहीं समझेंगे, चिंता तो होती है ने? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो तुझे किडनैप भी इतनी सफाई से करना होगा ने कि सबको यही लगे कि वो चपली नंदिनी ने उन रावल्स को चूना लगा के वो तेरे साथ भाग गई, ठीक है? अरे फिर तो जबरदस्ती शादी कर लेना उसके साथ। एक बार शादी हो गई, फेरा फराई गया, पछी सो क्या करेगी वो? कुछ नहीं। देख, बड़े बेटे की शादी टूट जाएगी, अने एक बार पत्रिका पड़ जाए ने, उसके बाद वो लोग मेरा रिश्ता तो तोड़ नहीं पाएंगे। मुझे बाकी प्लानिंग पे ने फुल विश्वास है। अरे जाओ, यही है ना घर तुम्हारा। अब क्या घर तक ड्रॉप करूं? इतना तो चल के जा सकती हूँ। लिसन गो। शोभित, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम? तुमने पहले तो कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, इतना गुस्सा? अब कर रहा हूँ ना गुस्सा, अब आ रहा है गुस्सा। इरिटेट नहीं हो सकता इंसान? यार मुझे नहीं बात करनी है बस। शोभित तुम
जाओ। सॉरी चाची, लेकिन तुम्हें खुद से दूर करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ शोभू, मैं नंदिनी के घर आया था यार, पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई, लेट हो गया थोड़ा, बट डोंट वरी, मैं जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है? नहीं काटेंगे हम मच्छर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पता है हमारी बस्ती के पानी की बात ही कुछ और है, तभी तो यहाँ के मच्छर इतने हट्टे कट्टे हैं। अच्छा खिसकी? क्यों? अरे खिसकी ने? अरे अरे नंदिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। हाँ पता है मुझे, आप तो हमेशा ना फाइन ही रहते, मच्छर हो तो फाइन, गर्मी लगे तो फाइन, चक्कर आए तो भी। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ ना कि जब भी तुम मेरे पास हो तब तुम्हारे पांव ऐसे ही फिसलते रहे। अरे बंसुरी, पानी गर्म हुआ कि नहीं? जी चाची। जी। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कल के फंक्शन में तुम कौन से कलर का घर चोला पहनोगी। अरे मैंने अभी सोचा नहीं ने, और वैसे आप आ भी नहीं सकते। क्या बातें कर रहे हो, मदद कीजिए ना मेरी। क्यों नहीं आ सकता मैं, कौन रोकेगा मुझे? अरे आप क्योंकि जेंट्स हैं ने, जेंट्स को नहीं आने देते। अरे फंक्शन में वो जेंट्स नहीं आ सकते जो देख सकते हैं, लेकिन मैं तो वैसे भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे कोई क्यों रोकेगा। अरे नंदिनी, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा आपको कैसे पता चला कि मैं जा रही थी? Come on नंदिनी, तुम्हारी आर्ट सुन के। तो टेक्निकली आपके आसपास जो सब होता है आपको पता चल जाता है ने? तो देखने वालों में अने आप में क्या फर्क हुआ? चश्मे के पीछे वाली आंखों से ना सही, मन की आंखों से तो देख सकते हैं ना आप। मैं आती हूँ।
ये जो मन की आंखों से तुम दोनों शादी के सपने देख रहे हो ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाले। शादी तो तुम दोनों की होने से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।